उपाध्यक्षों की बड़ी घोषणा, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बड़ी घोषणा की है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किया गया है। तो मिशन 2023 को लेकर लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार नियुक्तियों का दौर भी जारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा केंद्रीय पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है। वसुंधरा राजे को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किया गया है। लिस्ट आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी जो लगातार नियुक्तियां कर रही है, सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक और नियुक्ति और बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और इसके साथ साथ सुनील बंसल को, क्या क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है? सौरभ, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर में तमाम बैठकें लेंगे, लेकिन उससे पहले ये घोषणा जो है वो कई तरह से मायने जो है वो रखती है, क्योंकि वसुंधरा राजे पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी उनका कार्यकाल या फिर उन्हें एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है। और इस एक्सटेंशन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार की चुनाव प्रबंधन कमेटी की घोषणा होनी है या फिर सीएम चेहरा जो है वो घोषणा होनी है, उन तमाम चीजों पर ब्रेक जो है वो लग गए हैं। और अब चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले से थी तो उनका कार्यकाल एक तरफ से बढ़ा दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे से पहले ये बड़ी घोषणा कई मायनों में अहम जो है वो लग रही है। चूंकि राजस्थान में चूंकि बीजेपी में गुटबाजी जो है वो साफ तौर पर नजर आती थी, साथ ही अब चुनाव के मोड पर जो है वो पार्टी आ चुकी है और ऐसे में चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और तमाम तरह की नियुक्तियां जो है वो पहले हो चुकी हैं और अब सिर्फ एक नियुक्ति जो है वो शेष रही है, वो ये है कि चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया जाता है, तो उसका अब इंतजार जो है वो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर फिर से जो है वो उनका कार्यकाल बढ़ाना, ये लगता है कि चूंकि वसुंधरा राजे जो है वो राजस्थान की कद्दावर नेता है, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है और चूंकि चुनाव जो है वो सर पर है, इस लिहाज से उन्हें जो है वो कंटिन्यू किया गया है। और सुनील बंसल को भी बड़ी नियुक्ति जो है वो देखे, क्योंकि उन्होंने चाहे यूपी में हो या फिर अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन को लेकर उनकी जो एक उनकी जो पकड़ है उसी के मद्देनजर उनको भी नियुक्ति जो है वो दी गई है। तो राजस्थान में आने से पहले जेपी नड्डा के एक बड़ा कदम जो है वो बीजेपी द्वारा उठाया गया है। बिल्कुल सौरभ, एक बड़ी पहल कह सकते हैं, बड़ा कदम कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है। चूंकि वसुंधरा राजे का कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनावी साल है और इसलिए जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री, सौरभ कौन कौन सी खास बातें इन लोगों में, क्या रहा पैमाना सिलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि पार्टी जो है वो लगातार संगठन में नियुक्तियां जो है वो करती है और उसी कड़ी में नियुक्तियां चूंकि जिन जिन राज्यों में जो कद्दावर नेता हैं उनको जो है वो जगह जो है वो राष्ट्रीय टीम में दी गई है, उनकी जिम्मेदारियां जो है वो तय की गई हैं और पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और जहां पर चूंकि ऐसा भी होता कई जगहों पर कि नाराजगी को भी जो है वो कम करने की कोशिश पार्टी द्वारा की जाती है, और चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है 3 महीने बाद, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये तमाम घोषणाएं जो है वो हो जाती है और इसी कड़ी में जो है वो ये बड़ी नियुक्तियां जो है वो बीजेपी द्वारा की गई है। जी बिल्कुल सौरभ, जीत कितनी ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री भी दौरा कर रहे हैं, नियुक्तियों का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी शायद ये बखूबी समझती है कि अगर समय रहते नियुक्तियां नहीं की गई तो इसका असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है। सौरभ, क्या जेपी नड्डा की ओर से और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए बड़े फैसले इस लिहाज से लिए जा सकते हैं क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। हाँ। राजस्थान दौरा काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि पहले भी जो है वो जेपी नड्डा आए थे और बैठक लेके गए थे,
में बीजेपी वापस राजस्थान आने की इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गई? क्या संगठन में सब कुछ शांति से चल रहा है? संगठन बिल्कुल मजबूती से काम कर रहा है? इन तमाम पहलुओं को लेकर पार्टी में कुछ चर्चाएं थी, उन्हीं चर्चाओं को एक तरह से विराम देने के लिए, पार्टी के तमाम नेताओं को स्पष्ट निर्देश देने के लिए ये बड़ा कदम जो है वो पार्टी द्वारा उठाया गया। जिस प्रकार से रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का, वसुंधरा राजे राजस्थान की है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तमाम जो नेता 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। तो जेपी नड्डा कर रहे हैं दौरा, और ऐसे में ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और निश्चित तौर पर कई और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा। सौरभ, जयपुर से मिल रही बड़ी खबर और इसी से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। जेपी नड्डा की उड़ान लेट हो गई है, बरसात के चलते दिल्ली से टेक ऑफ नहीं हो सका, मौसम ठीक होने पर जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज का दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जेपी नड्डा जयपुर आएंगे और इससे पहले ही एक बड़ी घोषणा उनकी ओर से कर दी गई है। अब माना ये जा रहा है, अटकलें ये लगाई जा रही है कि जब जेपी नड्डा राजस्थान आएंगे तो निश्चित तौर पर कई और बड़ी घोषणाएं उनकी ओर से की जा सकती है। तो बड़ा अपडेट बता रहे हैं, फिलहाल उनकी फ्लाइट लेट हो चुकी है, कुछ ही समय बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे।